वेलकम ऑल टू आई यूट्यूब चैनल तो आज के सेशन में हम बात कर लेंगे विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ओके okay? तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर ऑफ इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली लाइफ साइंस के फील्ड में मैटर ऑफ इंटरेस्ट विल बी अवर बायोमोलिक्यूल राइट लाइक कोई प्रोटीन हो गया कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट हो गया कोई एंजाइम हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें पता है जिसको हम बहुत ही कॉमनली बोलते हैं लाइट बट उसके काफी सारे डिफरेंट uh, फॉर्म्स होते हैं ओके ये हम बोल सकते हैं कि काफी सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन के वो किस स्पेक्ट्रा में बिलोंग करता है सो so, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम बायो के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर साइंटिफिक फिनोमिन होते हैं right? जैसे एब्जॉर्बशन या एमिशन या फिर स्कैटरिंग होगी right? या फिर रेजोनेंस होगा सो ये सारी चीज़ें जो होती है दिस इंटरेक्शंस यही इंटरेक्शंस के एनालिसिस के बाद हमें पता लगता है कि ओके दिस इज द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या दिस इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन अवर ओके तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम uh, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्ट करवा के पता लगाते हैं राइट सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगेन आपको पता है इट इज अ ट्रांसफर्स वेव एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है राइट right? एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एंड उसी को हम इंटरेक्ट करवाएंगे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो बहुत ही आ, बड़ी स्पेक्ट्रम होती है रेंजिंग फ्रॉम द गामा रेज टू द रेडियो वेव्स राइट गामा रेज एक्स रेज फिर अल्ट्रावाट रेज विजिबल रेज इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड रेज या फिर हम बोल सकते हैं उसके बाद आता है माइक्रोवेव एंड फाइनली रेडियो सो अलग अलग पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा के ट्रांसलेशनल वेव्स या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन हर एक का कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी रहता है इसलिए अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी पे है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी ईएसआर करेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो डिपेंडिंग ऑन दैट या इवन एक्सरे डिफ्रेक्शन डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल से और कौन सा पर्टिकुलर फेनोमिन हो रहा है कौन सा पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट आ, आ रहा है उसके डिपेंडेंट या उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पता लगाएंगे राइट अब यूवी विजिबल की बात करते हैं तो यूवी विजिबल रेंज जो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा रेंज है यूवी एज वेल एज विजिबल बहुत ही छोटा रेंज है रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 180 नैनोमीटर टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर ओके जिसमें विजिबल रेंज होती है कुछ थ्री हंड्रेड नैनोमीटर से लेके सेवन हंड्रेड नैनोमीटर तक या हम बोल सकते हैं थ्री फिफ्टी नैनोमीटर से लेके सेवन हंड्रेड नैनोमीटर तक और यूवी रेंज अप्रोक्सीमेटली होती है वन एटी नैनोमीटर से लेके थ्री फिफ्टी नैनोमीटर तक ओके okay? तो इतने ही छोटे रेंज में अगर या उतने ही जो पर्टिकुलर फैक्ट्रा है उससे अगर हम हमारे मोलिक्यूल को करवाते हैं और जो भी पर्टिकुलर Uh, हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के एनालिसिस से हम पता लाएंगे पता लगाएंगे ओके एंड दैट इज व्हाट इज़ सो यहां ईच एंड एवरी स्पेक्ट्रम और ईच एंड एवरी वेवलेंथ हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी गिवन बाय डी इक्वल टू एच सी बाई ई मतलब स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ रेंज की एनर्जी ज्यादा है because उसकी ज़्यादा है कंपेयर टू विजिबल रेंज या फिर हम बोल सकते हैं या infrared range, okay? so, जैसे मैंने बोला कि जो है इट इज इनफ टू कॉज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द और एटम मोलिकुलर एटम ऑफ द सैंपल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते रहते हैं वो कोई पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन होंगे एंड फाइनली वही ऑब्जेक्ट so, के, so, uh, के थ्रू अब कुछ पर्टिकुलर पोर्शन है जो एब्जॉर्ब होगा और बाकी का जो पोर्शन है वो ट्रांसमिट होगा ओके okay? तो so, यहाँ पे आप देखो एब्जॉर्बेंस इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन सॉलिड मतलब कि हमारा कोई भी बायोमोलिक्यूल हो गया वो तो जितना ज्यादा बायोमोलिक्यूल होगा या जो भी अमाउंट होगा उसके डिपेंडेंट उसका एब्जॉर्बेंस रहता है ठीक है एंड ट्रांसमिट क्या है इज द द लाइट दैट डिटेक्टर तो ट्रांसमिटेंस ऐसी एक पर्टिकुलर लाइट है कि जो डिटेक्टर तक पहुंचती है जो हम बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब नहीं हुई है डिटेक्टर तक पहुंच गई है राइट अगर कोई भी लाइट डिटेक्टर तक नहीं पहुंचती तो वो हमें ब्लैक दिखता बट ऐसा नहीं है वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कलर हमें दिखता है या कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी डिटेक्टर तक पहुंचती है जिसको हम ट्रांसमिटेंस बोलते हैं ओके तो आप देखो यूबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा दिखता है बट अगर अंदर से हम देखें उसका स्कीमेटिक सेटअप इट विल बी कंजिस्ट ऑफ द सोर्स द एंट्रेंस स्लिट विच विल एक्चुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ नैरो बीम ऑफ द लाइट ओके फिर उसके बाद एक डिस्पर्शन डिवाइस आएगा डिस्पर्शन डिवाइस क्या करेगा पर्टिकुलर uh, जो वाइट लाइट है उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देगा जिसको हम मोनोक्रोमेटर बोलते हैं फिर एक एग्जिट स्लिट जो फाइनली uh, एक छोटा सा बीम है वो सैंपल के थ्रू पास करेगी एंड इट विल देन गेट डिटेक्टेड एट द अदर एंड बाय डिटेक्टर ओके सो यहां पे आप देखो

Uh, एक मोनोक्रोमेटर से पास करवाते हैं और फाइनली एक और स्लिट से पास करवाते हैं सो so दैट हम हमारे डिजायर्ड वेवलेंथ का जो पर्टिकुलर एनर्जी है उसको हमें इल्यूमिनेट करना होगा हमारे बायो पे ओके okay? जैसे कि मान लो कि हमें 218 नैनोमीटर का uh, हमें सिर्फ पर्टिकुलर uh, सेट किया होगा हमने इंस्ट्रूमेंट में तो 218 नैनोमीटर का कैसे होगा तो दैट इज डन बाय दिस प्रिज्म एज़ वेल एज़ मोनोक्रोमेटर सेटअप ओके सो इसके अलावा एक और होता है दैट इज सिंगल बीम एंड डबल बीम सेटअप तो सिंगल बीम डबल बीम डबल मतलब क्या तो यहाँ पे बस एक चीज ये याद रखनी है कि सिंगल बीम एक पुराना एक कन्वेंशनल मॉडल था कन्वेंशनल डिजाइन था जहां पे हमें पहले ब्लैंक रखना होता था बैंक, ब्लैंक को रिमूव करके हमारा टेस्ट सैंपल क्यूबेट में रखना होता था राइट क्योंकि अः यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल का प्रोविजन था इज डबल बीम जो है डबल बीम आप देख सकते हो डबल बीम में एक बीम स्पीटर होता है बीम स्प्लिटर क्या करेगा साइमल्टेनियसली एक ब्लैंक को मतलब कि यहाँ पे एक रेफरेंस को और एक सैंपल को राइट right? एक रेफरेंस जो ब्लैंक मान के चलते हैं उसको और एक सैंपल को दोनों के थ्रू साइमल्टेनियसली वो पास होगा और फाइनली जो दोनों का जो डिफरेंस है उसको वो मेजर करेगा तो सिंगल बीम में बस इतना डिफरेंस है कि पहले ब्लैंक रखना होता था फिर सैंपल रखने के बाद हमें फाइनली जो उसका इंस्ट्रूमेंट था वो माइनस करता था तो भी ब्लैंक का रीडिंग है उसको सब्ट्रैक्ट करता था करेक्ट वेर इज मोनोक्रोमेटर में क्या होगा सॉरी डबल बीम में क्या होगा डबल बीम में द रेफरेंस एंड सैंपल बोथ आर कैप्ट साइमल्टेनियसली और दोनों का एक साथ में ही यहां पे हम बोल सकते हैं कि ब्लैंक एडजस्ट हो जाता है ठीक uh, है कमिंग टू द मेन प्रिंसिपल जहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो पहले आप ये याद रखो कि एक लाइट सोर्स है लाइट सोर्स से जो इंटेंसिटी हम दे रहे हैं एक पर्टिकुलर क्यूबेट या सैंपल को वो इंटेंसिटी हम आई जीरो मान के चलते हैं राइट इन इंसिडेंट लाइट और फिर क्यूबेट या सैंपल के अंदर कुछ आ, हम सॉल्यूट रहेंगे राइट right? सैंपल में सॉल्यूट रहेंगे सॉल्यूट की वजह से क्या होगा कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब होगी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब होगी एंड बाकी की ट्रांसमिट होगी तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको हम

कुछ पोर्शन एब्सॉर्व हो गया फिर भले एक दो परसेंट भी ट्रांसमिटेंस okay? so, right? इसका मतलब क्या ट्रांसमिटेड लाइट जो है आई वो ओवरऑल इंटेंसिटी का एक पोर्शन रहेगा जिसको हम ट्रांसमिटेंस बोलेंगे जिसको हम परसेंट ट्रांसमिटेंस में अगर कन्वर्ट करें तो सिर्फ इससे

ट्रांसमिटेंस हमेशा 100% होगा क्योंकि कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है तो सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो रही है ठीक है फिर हमने जैसे-जैसे कंसंट्रेशन जैसे बढ़ाया वैसे-वैसे ट्रांसमिटेंस कम हो रहा है बट यहाँ पे आप देखो अब एक पर्टिकुलर पार्ट part आता है या एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिसके आगे जब हम जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ट्रांसमिटेंस कभी भी जीरो नहीं पहुंचेगा ठीक है तो हमें ये जो एक एक्यूरेट रीडिंग मिलनी चाहिए वो एक एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती है फॉर हायर कॉन्सेंट्रेशन कि अगर मान लो हमें पांच या छः के अराउंड एम पर मीटर क्यूब या हम जो बोलते हैं कि एम जी पर लीटर जो है अगर उसके अराउंड हम यहाँ पे देखे एम जी पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन में तो यहाँ पे हमें ठीक से रीडिंग नहीं मिलेगी ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगी क्यों क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप ये याद रखिए कि हम जितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते कभी भी ट्रांसमिटेंस जीरो तक नहीं पहुंचेगा ट्रांसमिटेंस मतलब मतलब क्या कि मतलब कि वो वो पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं जो है ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया है और वो ओवरऑल सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है ट्रांसमिटेंस जीरो मतलब राइट right? तो इसलिए ट्रांसमिटेंस इज नॉट द हम बोल सकते हैं कि उतना एक्यूरेट नहीं देगा जितना एब्जॉर्बेंस देगा तब होता क्या है यहाँ पे रेदर देन ट्रांसमिटेंस हम

तो यहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ओके स्ट्रेट लाइन मिलेगी और यही स्ट्रेट लाइन हमें और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगी तो देरफोर वी आर एक्चुअली वी कैन से मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस रेदर देन ट्रांसमिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर सैंपल ओके तो सेम चीज है मैथमेटिकली कि एब्जॉर्बेंस को हम लॉग वन बाई टी मतलब कि हम इनवर्सली लॉगरिथमिक वो प्रोपोर्शनल है ओके okay? या लॉग आई जीरो बाई आई एंड ए इज ऑल्सो माइनस लॉग ऑफ t ठीक है तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ की हमें अभी ये पता चल गया कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस क्या है अब बियर लैम्बर्ट लॉ की बात करते हैं तो बियर एंड लैम्बर्ट दो पर्टिकुलर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ बनाया था और इन्होंने

तो इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम एक एंगल से देखते हैं ये तीनों को तो हमें ये सेम सॉल्यूशन ही है राइट ये सेम सॉल्यूशन ही है या हम सेम कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन ही है तो हमें सेम कलर के दिखते हैं बट अगर इसको हम दूसरे एंगल से मतलब हम टॉप से देखेंगे जब हम टॉप व्यू से देखेंगे और नीचे से जब हम लाइट पर्टिकुलर पास करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पाथ लेंथ वन मान के चलो ये पाथ लेंथ अभी उसको ज्यादा कवर करना है डिस्टेंस और ये पाथ लेंथ उसको और ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है ठीक है तो आप देखो ये लाइटेस्ट है ये थोड़ा डार्क है और ये और ज्यादा डार्क है क्यों क्योंकि पाथ लेंथ इंक्रीज हो गया पाथ लेंथ की वजह से मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ज्यादा हो गए और एब्जॉर्बेंस बढ़ गया एब्जॉर्बेंस बढ़ने की वजह से ट्रांसमिटेंस कम हो गया और वो सॉल्यूशन थोड़ा डार्क दिखने लगा सेम चीज कॉन्सेंट्रेशन पे भी आती है कि uh, इसका मतलब क्या? क्या आप देखो कि सभी का है सिर्फ हर एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया है शायद एक में पॉइंट टू रहेगा एक में पॉइंट फाइव एक में वन मोलर रहेगा एक में वन पॉइंट फाइव एक्जेक्ट जो भी रहेगा तो जिसकी वजह से उसमें कलर डिफरेंस भी आपको दिख रहा है डार्कनेस दिख दिख रही है क्यों डार्कनेस ज्यादा दिख रही है क्योंकि अब बढ़ बढ़ गए हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्बेंस गई है इसका मतलब कि जो ट्रांसमिटेंस की इंटेंसिटी है वो कम हो गई है ठीक है सो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा उतना ही एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस को फाइनली हमने या नॉट हमने बट बियर ने फाइनली जो है एक फॉर्मूला निकाला दैट वॉज एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल एब्जॉर्बेंस इज ए एप्सिलॉन जो है उसको हम मोलर या उसको मोलार एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी बोलेंगे एंड सी मतलब है तो ये आप ध्यान रखिएगा अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्राम में या कुछ मोलिकुलर वेट पर्टिकुलर उसमें दिया है तो उसके अकॉर्डिंग मोलार हो जाएगा ठीक है एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ

ओनली फैक्टर तो चेंज नहीं होंगे बट जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं तो एप्सिलॉन चेंज होता जाता है ठीक है तो एप्लीकेशन की बात करें एप्लीकेशन क्या रहेंगे तो एप्लीकेशन रहेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव ऐसे राइट right? ये एक उसका एप्लीकेशन है सबसे कॉमन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऐसे मतलब क्या कि एक तो उसकी क्वांटिटी भी चेक करते हैं हम चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू एल तो उससे हमें कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल जाएगा करेक्ट एंड उसके साथ साथ क्वालिटेटिव ऐसे है कि अगर प्रोटीन हमें देखना है तो इट विल बी एट टू एटी क्योंकि जो अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 218 नैनोमीटर पे होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए 260 नैनोमीटर पे डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए एंड अराउंड मान लो कि रीजन फ्रॉम 500 टू 300 नैनोमीटर विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स ओके वैसे ही दूसरा एक रहता है काइनेटिक्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब क्या कि अगर किसी uh, को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये सबस्ट्रेट कितना कम हुआ या टाइम के हिसाब से कितना कम हो रहा है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है ये भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली uh, पता लगा पा, आ, पता लगाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग uh, ही हम फाइनली पैनेटिक्स के बारे में uh, हम बोल सकते हैं कि डिड्यूस करेंगे ओके दिस पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन की

वन सेंटीमीटर रखेंगे एंड फाइनली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें फाइंड करना है एब्जॉर्बेंस भी दिया है तो आप देखो एप्सिलॉन फॉर टायरोसिन विल बी 1500 पर मोल सेंटीमीटर एंड फॉर ट्रिप्टोफेन विल बी 3000 पर मोल सेंटीमीटर और ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन की वो एडिटिव है एडिटिव मतलब क्या कि अगर मान लो कि दो ट्रिप्टोफेन होंगे तो हम 1500 1500 को और एक, आ, एक और एक एक ऐड कर देंगे। अगर चार मॉलिक्यूल मॉलिकोफेन के होंगे को एक और बार ऐड कर देंगे। अगर चार मॉलिक्यूल होंगे ट्रिप्टोफेन के तो हम थ्री थाउजेंड इंटू फोर रखेंगे सो इट्स एडिटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर रेसिड्यू इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन ओके तो हमें क्या करना है एब्जॉर्बेंस को हमें सिर्फ epsilon into C into L, दोनों एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है तो दोनों को हम ऐड करेंगे सी तो हमें फाइंड करना है और वन सेंटीमीटर वो पाथ लेंथ है ठीक है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा फाइनली आप जब कॉन्सेंट्रेशन देखोगे इट विल बी पॉइंट जीरो 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 टू मोलार या उसको हम पॉइंट टू मिली मोलर भी बोलेंगे तो

एप्सिलॉन वैल्यू दी गई है पर सेंटीमीटर, ठीक है और इनएडी प्लस की वैल्यू जीरो मान के चलते हैं फाइनली एप्सिलोन एनएडीएच प्लस एप्सिलोन एनएडी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू पाथल्थ पाथलेंथ पॉइंट फाइव मिलीमीटर सॉरी फाइव मिलीमीटर है मतलब कि पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होगा तो आप देख सकते हो एबजॉर्बेंस थाउजेंड टू हंड्रेड पर मोल सेंटीमीटर इंटू पॉइंट सेंटीमीटर एंड होगा सिक्स पॉइंट टू मिली मोलर हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है पर मिली मिलीमोलर में क्यों क्योंकि हमें एक कॉन्स्टेंट यूनिट रखना है ठीक है कॉन्स्टेंट यूनिट रखना है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर मिली मिलीमोलार में दिया था और हमारा एप्सुलॉन वैल्यू मोलार में है तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा मिली मोलार में तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्या पर्टिकुलर मोलार को एक्सटेंशन को ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप आप सभी को उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पता चल गया होगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो पता चल गया होगा ओके okay? So thank you for your patient listening. See you.